मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच राजनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा पर जानलेवा हमला हुआ है। हमले में उनके ड्राइवर सलमान खान की मौत हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवार नाती राजा ने बीजेपी उम्मीदवार अरविंद पठेरिया और उनके समर्थकों पर गाड़ी से कुचल कर मारने का भी आरोप लगाया है। वहीं पुलिस इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की बात कही है और कांग्रेस उम्मीदवार नाती राजा शुक्रवार की सुबह अपने समर्थकों के साथ खजुराहो थाना पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर गाड़ी चढ़ाकर उनको मारने का प्रयास, ड्राइवर की हत्या और कई राउंड गोलियां चलाने का आरोप लगाया है। नाती राजा ने खजुराहो थाना पुलिस में घटना की शिकायत की है। नाती राजा घटने के बारे में बताते हुए फूट फूट कर रोए। राजनगर विधानसभा क्षेत्र में खजुराहो थाना अंतर्गत रनी फॉल रोड पर रात 3:15 बजे दो राजनीतिक दलों के प्रत्याशी और उनके साथ समर्थक आमने सामने हो गए। इसके बाद इनमें कुछ विवाद हुआ और एक सलमान नामक युवक है, उसकी मौत हुई है। इन्होंने अब शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि चढ़ा दो इन पे गाड़ियाँ, मैं जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गया। सलमान बेचारा गाड़ी के अंदर नहीं आ पाया। मेरी जनता से अपील है कि ऐसे हत्यारों को वोट ना दे। मेरी कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी कि भाजपा के समर्थित प्रत्याशी यहाँ पे दारू वारू बांटने का काम कर रहे हैं सूरजपुरा साइड, क्योंकि पहले उन लोगों ने जटकरा में बांटी थी दारू कंबल साड़ियाँ। तो हम लोग जा रहे थे वहाँ रास्ते में, तो वहाँ गाय वगैरह बैठी थी, तो हम लोगों ने साइड स्लो किया, उतने में ही उनकी गाड़ियाँ सामने से आ गई। तो चूँकि जगह थी थोड़ी कम, इस साइड गाय बैठी थी। तो भाई नमस्कार, मैं आप सभी के बीच में एक बात रखना चाहता हूँ। आज जब मैं सुबह मतदान के लिए उठा तो मुझे पता चला फेसबुक के माध्यम से कि माननीय विधायक जी के द्वारा एक आरोप लगाया जा रहा है कि मेरी गाड़ी के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या की गई है। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की विधायक जी के द्वारा गंदी राजनीति की जा रही है, यह मौत पर राजनीति कर